हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा काफी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि हम लोग आज टाइम एंड वर्क पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए अपने सेशन को प्रोसीड करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आइए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पहला बोल रहा है, ए कैन राइट 25 पेजेस इन 25 आवर। ए है जो 75 पेज 25 घंटा में लिख पाता है। ए एंड बी टुगेदर कैन राइट 135 पेजेस इन 27 आवर। और ए और बी मिलकर 135 पेज को 27 आवर में लिख पाते हैं। इन व्हाट टाइम कैन बी राइट 42 पेजेस। तो पूछ रहा है कि बी कितने टाइम में 42 पेज को लिख पाएगा। तो फ्रेंड, जब भी किसी का क्वेश्चन आए कैसे आपको सॉल्व करना है आइए देखते हैं। तो ए के बारे में बोल रहा है कि ए है जो कितना 75 पेज है जो 25 घंटा में लिख पाता है। तो 75 पेज है, 75 पेज ए लिखता है कितना घंटा में, तो 25 घंटा में। तो एक पेज कितना घंटा में लिख पाएगा, तो क्या 25 से डिवाइड कर देंगे। तो 25 से डिवाइड कर दिए हम लोग, कितना आ गया 3 पेज पर आवर। 3 पेज पर आवर यानी एक घंटा में ए है जो 3 पेज लिखेगा। ए के बारे में दिया हुआ था, ए है जो 75 पेज लिख पाता है 25 घंटा में। हमने क्या किया, 25 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया कि 3 पेज है जो हर घंटा ए लिख पाता है। उसके बाद बी के बारे में, ए और बी के बारे में बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर 135 पेज 27 घंटा में लिख पाते हैं। कितना घंटा में, 27 घंटा में लिख पाते हैं। हमने क्या किया, 27 डिवाइड कर दिया, तो इसका क्या आ गया 5 पेज पर आवर। यानी एक घंटा में दोनों मिलकर 5 पेज लिख पाते हैं। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि ए 3 पेज हर घंटा में लिख पाता है और ए और बी दोनों मिलकर 5 पेज एक घंटा में लिख पाते हैं। तो ए कितना लिख पाता है, ए 3 पेज लिख पाता है, 3 पेज हर घंटा में लिख पाता है और दोनों मिलकर कितना लिख पाते हैं 5 पेज। तो कहने का क्या हुआ, बी है जो कितना लिखेगा, 2 पेज पर घंटा लिखेगा। तब तो दोनों जोड़ के आ रहा है कितना आ रहा है, 5 पेज पर घंटा आ रहा है। यानी बी का क्या आ गया, बी है जो 2 पेज पर घंटा लिखता है। तो बी के बारे में पूछ रहा है कि बी है जो 42 पेज कितना घंटा में लिख पाएगा। बी है जो 42 पेज कितना घंटा में लिख पाएगा। तो बी एक घंटा में 2 पेज लिख पाता है, तो 42 पेज कितना घंटा लिख पाएगा, तो 42 डिवाइड बाई 2 यानी कितना हमारा आंसर आ गया, यानी 21 आवर हमारा आंसर आ गया। तो बी 42 पेज कितना घंटा मिल पाएगा, तो बी एक घंटा 2 पेज लिख पाता है, तो 42 पेज कितना घंटा मिल पाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दिए हमारा आंसर कितना आ गया, 21 आवर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 21 आवर हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए एंड बी, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। यानी ए और बी किसी काम को 8 दिन में मिलकर समाप्त करते हैं। बी एंड सी टुगेदर इन 10 डेज और बी और सी इसी काम को मिलकर 10 दिन में समाप्त करते हैं। व्हाइल सी एंड ए टुगेदर इन 6 डेज और सी और ए भी मिलकर 6 दिन में काम को समाप्त कर लेते हैं। If they all work together, the work will be completed. यदि तीनों मिलकर इसी काम को एक साथ करें, तो कितने दिन में काम हमारा समाप्त हो पाएगा? ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो ए और बी के बारे में बोल रहा है कि ए और बी कितना दिन लेते हैं, तो ए और बी 8 दिन लेते हैं दोनों मिलकर काम को करते हैं। और उसके बाद बी और सी के बारे में बोल रहा है कि बी और सी कितना दिन लेते हैं दोनों मिलकर, तो 10 दिन। और सी और ए कितना दिन लेते हैं, तो सी और ए लेते हैं आपको 6 दिन। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या काम है, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, जो हमारा टाइम का दिया हुआ है, डेज का जो दिया हुआ है कि 8 दिन दे रहे हैं, 10 दिन, 6 दिन दे रहे हैं, इसका हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेते हैं। तो हमारा टोटल वर्क निकल गया था, कितना हो जाएगा हमारा, तो 8, 10, 6 का हम लोग एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा,
तो 120 लिख लेते हैं, 120 ले लेते हैं, कितना लिखते हैं 120 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 120 है, सबसे कट जाएगा। तो अब क्या दूसरा काम है, इफिशियंसी निकालना, कि वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो इफिशियंसी कहलाता है। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो 120 डिवाइड बाय 8 कितना हो जाएगा, 15,000। यानी बी और ए और डी दोनों मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं, और बी और सी कितना आ जाएगा, 120 डिवाइड बाय 10 यानी 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 आ गया, 15 आ गया, और सी और ए कैसे निकलेगा, सी और ए एफिशिएंसी 120 बाय 6 कितना आएगा, 20 आ जाएगा। यानी सी और ए भी 20 काम करते हैं एक दिन में। तो अब क्या करना है आपको, कि इफिशियंसी को जोड़ देंगे, 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 37, और 37 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 57, 37 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 57, और इधर आदमी को जोड़ते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ए दो बार है, बी दो बार, और सी दो बार है, यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c आ गया, 2a प्लस 2b प्लस 2c आ गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं और कितना अपना इफिशियंसी आ गया, टोटल 57 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तीनों का डेज पूछ रहा है, तीनों कितने मिल के काम करें कितना दिन में। तो हम लोग यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 57 हो गया हमारा। तो 2 यहाँ कॉमन ले लिया, ये डिवाइड में चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 57 बाय 2 कितना हो जाएगा हमारा, तो 57 बाय 2 हो गया हमारा, 57 बाय 2, तो 57 बाय 2 क्या हो गया हमारा, इफिशियंसी हो गया, कि ए बी और सी तीनों मिलकर 57 बाय 2 काम करता है। अब क्या करना है हमको, तो डेज पूछ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का डेज पूछ रहा है, कि तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, टाइम पूछ रहा है। तो टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशियंसी, टोटल वर्क कितना हमारा 120 है, 120 डिवाइड बाय टोटल इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी कितना है, 57 बाय 2 है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो कितना हमारा हो जाएगा, 120 इंटू 2 बटा 57, तो हमारा कितना आ जाएगा, 240। पहले काट देते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 19,000, तो हमारा कितना आ गया, 80 बाय 19 आ गया, कितना आ गया, 80 बाय 19, तो 19 का 19, 19 में 38, 39 57, 19 चौक 76, तो 19 चौक 76 और 76 और 4, तो 4 होल 4 बाय 19 डेज हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 4 होल 4 बाय 19 डेज हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स एक और देख लेते हैं, तो ए और बी 8 दिन मिलके दोनों ले रहे हैं, बी और सी 10 दिन, सी और ए दोनों मिलकर 6 दिन। तो सबसे पहले काम क्या है हमारा, टोटल वर्क निकालना, टोटल वर्क हमने निकाल दिया, कितना निकाले 120 हमने टोटल वर्क निकाल दिया, उसके बाद इफिशियंसी निकाल दिया, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम 15 आ गया, 12 आ गया, 20 आ गया। फिर हम लोग इफिशियंसी को ऐड कर दिए, 57 आ गया, टोटल आदमी को ऐड कर दिए, 2a + 2b + 2c हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन पूरा करेंगे, तो 2a 2 कॉमन ले लिया हम लोग, 2 कॉमन ले लिया, यहां डिवाइड हो जाएगा, 7 बाय 2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इफिशियंसी, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करें, तो 57 बाय 2 काम करें। उसके बाद क्या किया हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी का डेज पूछ रहा है तीनों मिलकर, तो डेज कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क 120 डिवाइड बाय टोटल इफिशियंसी, तो डिवाइड बाय टोटल इफिशियंसी, तो ये डिवाइड में है, तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो गया 2 बाय 57 हो गया। तो हम लोग यहाँ 3 से काटे, 3 चौक 12 और 0, फिर 3 का 3 1 मतलब 327 यानी 80 बटा 19 आ गया, 19 चौक 76, 76 4 80, तो कितना हो जाएगा, 4 होल 4 बाय 19 डेज हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, पिछला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम कैमरा वर्क के ऊपर इस सेशन में, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। एक एन कल्टीवेट, अब क्या बोल रहा है, एक एन कल्टीवेट यानी ए है जो कल्टीवेट कर पाता है 2/5 ऑफ द लैंड इन 6 डे, ए है जो 2/5 ए है जो 2/5 लैंड है जो 6 दिन में कल्टीवेट कर लेता है, कितना दिन में करता है कल्टीवेट, तो 6 दिन में जोत लेता है। और उसके बाद बी भी है, बी है जो 1/3 लैंड कितना दिन में जोत देती है, कल्टीवेट कर लेते हैं तो 10 दिन में जोत देती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है,
कि वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कल्टीवेट 4/5 ऑफ द लैंड गेन, तो ए और बी 4/5 लैंड 4/5 लैंड कितना दिन में कल्टीवेट करेंगे, ये पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ए है 2/5 लैंड 6 दिन में जोतता है, तो ए पूरा लैंड कितना में जोतेगा, तो ए है जो पूरा लैंड कैसे जोतेगा, तो हम लोग को क्या करना है 6 ये 5 में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, बस ये करना है। तो दो यहाँ डाइट डिवाइड कर लेते हैं 2 3 6, यानी ए है जो पूरा लैंड 15 दिन में कल्टीवेट कर लेगा, ठीक है फ्रेंड्स, और बी है जो पूरा लैंड कितना में कल्टीवेट कर लेगा, तो बी 1/3 लैंड 10 दिन में कल्टीवेट कर लेता है, पूरा लैंड कितना कल्टीवेट करेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 में, तो कितना 30, यानी बी है जो 30 दिन में पूरा लैंड कल्टीवेट कर लेगा। हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं क्योंकि हमारा डेज आ गया है, तो डेज कैसे टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो डेज का एलसीएम लेते हैं, यानी 15 30 से कितना एलसीएम 30 हो गया, टोटल वर्क कितना 30 आ गया। उसके बाद क्या करते हैं इफिशियंसी निकालते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं, तो इफिशियंसी मतलब क्या होता है, 1 डेज वर्क होता है, 1 दिन में कितना काम करता है ये इफिशियंसी होता है, तो इफिशियंसी कैसे निकालते हैं टोटल वर्क डिवाइडेड टोटल टाइम, तो हमारा ए का कितना आ गया 2 आ जाएगा, 30 डिवाइडेड 52 आ गया, और 30 डिवाइडेड 30 यानी 1 आ गया, तो ए 1 दिन 2 काम कर रहा है और बी 1 दिन में 1 काम कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ए और बी, यहां बी होगा, ए और बी 4/5 लैंड कितना दिन में कल्टीवेट करके निकालना है, यानी टोटल जो हमारा वर्क है ये हमारा लैंड के रूप में शो हो रहा है, क्या हो रहा है, जो हमारा टोटल वर्क है ये हमारा लैंड के रूप में शो हो रहा है, लैंड कितना है 30 है, तो हमें क्या निकालना है 4/5 भाग किसका 30 का, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 4/5 भाग 30 का पहले निकाल लेते हैं, तो 4/5 × 30 तो 5 × 30 यानी 24 वर्क ए और बी मिल के कितना दिन में करेंगे ये हमें निकालना है, 24 वर्ड ए और बी कितना डेज में करेंगे ये हमें निकालना है क्वेश्चन के अनुसार, यानी 24 वर्ड को निकालना है कितना ए और बी कितना दिन मिलके करेंगे, तो 24 वर्ड ए और बी दोनों मिलकर कितना एक दिन कितना काम कर रहे हैं, ए एक दिन 2 काम कर रहा है, बी 1 दिन 1 काम कर रहा है, यानी अगर दोनों मिल जाए तो ए प्लस बी 1 डेज वर्ड कितना हो जाएगा 1 डेज वर्ड, तो 1 डेज वर्क आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, ए प्लस बी अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन कितना कितना कार्य कर पाएंगे, तो 2+1 यानी 3 काम कर पाएंगे, और काम करना कितना है तो 24 काम करना है, कितना काम करना है 24 वर्क काम करना है ये निकालना है, तो ए और बी 1 दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 24 वर्क कितना दिन कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 से मल्टीप्लाई की तो 8 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे डेज में, तो हमारा डेज का संख्या कितना आ गया, तो टोटल डेज हमारा आ गया 8, कितना आ गया टोटल डेज हमारा 8 आ गया, यानी 8 दिन लगेगा ए और बी दोनों को मिलकर काम करने में, कितना 24 वर्ड को काम करने में दोनों को 8 दिन लगेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो फ्रेंड्स अब हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हुए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम चौथे क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस सेशन में, तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 20 वुमेन कैन ले अ रोड ऑफ लेंथ 100 मीटर इन 10 डेज, यानी 20 औरत है जो रोड को क्या करती है ले करती है 100 मीटर रोड को 10 दिन में, यानी 20 औरत इस क्वेश्चन कुछ नहीं करना है आपको, 20 औरत है जो 10 दिन में कितना मीटर रोड को ले करती है 100 मीटर, तो क्या करना है आपको जो रोड का जो दिया मीटर उसको डिवाइड करना है बराबर, बस डिवाइड कर देना है आपको जो नंबर ऑफ वुमेन इनटू डेज करना है और जो रोड का दिया हुआ है कितना लेंथ है उसको डिवाइड कर देना है बराबर। अब क्या पूछ रहा है कि 10 वुमेन कैन ले द सेम रोड ऑफ लॉन्ग 50 मीटर डी, अब पूछ रहा है 10 वुमेन इसी रोड को कितना रोड को तो 50 मीटर रोड को, तो रोड को मैंने क्या बोला आपको डिनोमिनेटर में रखना है डिवाइड करना है इनटू डेज, हमारा आंसर बराबर कर देना है, ये पहला कंडीशन था, तो पहला कंडीशन क्या था कि 20 औरत है जो 10 दिन में 100 मीटर रोड को ले करती है, ले मतलब बनाती है उसमें, अब क्या होगा 10 वुमेन है जो कितना दिन में 50 मीटर रोड को ले कर देगी, हम लोग
इधर जो किए सेम कंडीशन इधर भी करना है, बराबर कर देना है 10 कॉलम × 10 / जो ले कर रही है रोड को 50 मीटर, यहाँ 100 मीटर, यहाँ 50 मीटर है, तो रोड को क्या करना है डिवाइड में लिख देना है, बस यही करना है आपको और आंसर आ जाएगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं, 10 से 10 कटा और 50 दूनी हो गया 2 और 2 से 10, यानी हमारा जो डे का संख्या कितना आ गया हमारा, तो डे का संख्या हमारा 10 आ गया, डे का संख्या क्या आ गया 10 आ गया। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा वर्ल्ड एमबीएस फॉर्मूला पर कैसे देखते हैं 20 है, तो 20 क्या हुआ नंबर ऑफ ओमेन चाहे मैन बोलिए पर्सन बोलिए, तो एम यहाँ निकलता है इनटू डेज डिवाइड बाय W1 M1 D1 डिवाइड बाय W1 W1 क्या हुआ 100 मीटर लेंथ को बनाना है, वर्क करना है 100 मीटर बराबर, ये क्या हो गया सेकंड कंडीशन क्या था 10 ओमेन है तो हम क्या लिखे M2 लिखे इनटू D2 हो गया और 50 मीटर रोड को लेकर ना ये हमारा क्या आ गया W2 इसी फॉर्मूला पे, तो बेसिक है ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको जब भी इस तरह का दिखे तो हम लोग क्या करेंगे इस फॉर्मूला पे अप्लाई कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अब हमारा क्वेश्चन हो रहा है हाउ मेनी मैन नीड टू बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द होल जॉब इन 5 डे, यानी कितना मैन की आवश्यकता है एक जॉब को 5 दिन में कंप्लीट करने के लिए, इफ 15 मैन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द जॉब इन 7 डे, यानी कंडीशन यह हो गया कि 15 आदमी है जो क्या करता है जो 7 दिन में कितना 1/3 काम पूरा करता है, कितना काम पूरा करता है तो 1/3 काम, ये भी क्वेश्चन हमारा एमडीएच वाला कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, तो टोटल कितना वर्क हमारा 3 वर्क है जिसमें से एक काम करता है ठीक है, और निकालना क्या है तो कितना आदमी है जो 5 दिन में टोटल वर्क को पूरा कर ले, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 3/3 कैसे यहाँ टोटल वर्क 1/3 है यानी 3 टोटल वर्क है जिसमें से एक काम कर रहा है तो हमको टोटल वर्क करना है यानी 3/3 काम करना होगा ठीक है फ्रेंड्स, कितना काम करना होगा 3/3 काम करना होगा, ये हमारा किस पैटर्न पे हो गया तो एमबीएच वाला कॉन्सेप्ट पैटर्न पे हो गया, कैसे यहाँ M1 D1 डिवाइड बाय W1 इक्वल टू M2 D2 डिवाइड बाय W2 हमें क्या निकालना है तो हमारे M2 निकालना है, यानी कितना आदमी है जो 5 दिन में काम करेगा और टोटल वर्क हमारा हो जाएगा, टोटल वर्क कैसे किए हम लोग 3 को टोटल वर्क माने तो 1 काम हो रहा है 1/3 हो गया, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 3/3, हम लोग यहाँ 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ 1 डायरेक्ट लिख सकते थे और 3 डायरेक्ट लिख सकते थे, तो हम लोग ग्रेटर में हम लोग को डिवाइड नहीं करना पड़ता तो ऐसे भी 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे 5 से 3 7 21 हो गया और 21 × 3 यानी x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, तो 21 का वैल्यू 7 × 3 और इंटू ये वाला 3 ही जाएगा 3 यानी कितना हो जाएगा 63 यानी नंबर ऑफ आदमी कितना होगा तो 7 + 21 = 63 कितना हो जाएगा 63 आदमी, यानी x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 63 आ गया, यानी 63 आदमी है जो 5 दिन काम करते हैं टोटल वर्क को फिनिश कर लेता है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही, फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि हमारा सेशन टाइम एंड वर्क के ऊपर आपको समझ में आया होगा, तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल मैथ दोस्ती को सब्सक्राइब करें, जब भी कोई वीडियो आप तक अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन पहुंचता है, इसलिए हमारे चैनल मैथ दोस्ती को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।